अतियोगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस के वार्ड नंबर 47 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि भजन पत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और भारत रत्न पार्टी कांग्रेस इस तरह के बयान रह गई, अब कहाँ बड़ी रह गई, अब कहाँ बड़ी पंचवटी गई, हर जगह से साफ रहने वाले हैं भाई साहब, यूपी के रहने वाले, शहीद नहीं हुआ, इसे बदनाम करने की राजनीति, बदनामी योगी बाबा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? ये अपोजिट पार्टी वाले कर रहे हैं। कौन अपोजिट पार्टी, खुलकर बोलिए। साबा वाले होगा रज्जू, हमें क्या लेना देना, वो कह रहा है भारत रत्न मिलना चाहिए। काय को मिलना चाहिए? अच्छा, गुंडाओं को भी अगर भारत रत्न मिलेगा तो फिर है ना। यूपी के अतीक अहमद और उसके भाई के हत्या के बाद लगातार विवाद होता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब अतीक अहमद को लेकर के कांग्रेस के एक नेता का विवादित बयान आ गया है। दरअसल अतीक अहमद के हत्या को भारत रत्न देने की बात कह दी गई है। राजकुमार रज्जू जो कि कांग्रेस के नेता है, नगर निकाय चुनाव जो अभी उत्तर प्रदेश में होना है उसमें उम्मीदवार के तौर पर है, और उन्होंने दरअसल ये कह दिया है कि जो हत्या की गई है अतीक अहमद का, उसको लेकर के भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ऐसे में जनता जनार्दन के साथ हम आज बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस के नेता का एक बयान आ गया है कि आखिरकार भारत रत्न मिलना चाहिए, तो जनता जनार्दन इस पर क्या सोचते हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मनोज मिटकरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र लातूर। महाराष्ट्र लातूर, कुछ पता है अतीक अहमद नाम का एक माफिया को अपराधियों ने ढेर कर दिया? मालूम है। यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आप दिल्ली घूमने आए या फिर यहीं रहते हैं? घूमने आए हैं। क्या पता चला देश की राजधानी में आकर के जो माहौल चल रहा है, अतीक अहमद और उसके भाई की अपराधियों ने हत्या की, उससे पहले पुलिस इनकाउंटर में अतीक अहमद का बेटा मारा गया? हाँ, मारा तो गया था। अच्छा, ये इसको कैसे देखते हैं, सही हुआ? हमारे हिसाब से तो ये सही है। आप ही के महाराष्ट्र में पोस्टर लगा दिया गया और कहा गया कि अतीक अहमद शहीद हुआ है, उसको गलत तरीके से मारा गया है? नहीं, ये तो राजनीति का हिस्सा हो गया, ये लेकिन आम आदमी के हिसाब से तो ये गुंडे को जो हो गया वो सही हो गया। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मेरा नाम आनंद कुमार। आनंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो अब शहीद के दर्जा प्राप्त हो और कहीं ना कहीं भारत रत्न दिया जाए। कांग्रेस के एक नेता ने यह बयान दे दिया है। दरअसल चुनाव लड़ रहे हैं, नगर निकाय का चुनाव होना है यूपी में, और लगता है वोट के लालच में इस तरह का बयान दिए हैं। कैसे देखते हैं इसको, भारत रत्न मिलना चाहिए? किसको? अतीक को। काय को? राजकुमार रज्जू कह रहे हैं। अरे वो क्रिमिनल है, उसको काहे का भारत रत्न मिलेगा? कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के तो वो अपोजिट वाले तो बोलेंगे ही। राजकुमार रज्जू नाम है। अरे रज्जू वज्जू दिखा दो। होगा रज्जू, हमें क्या लेना देना, वो कह रहा है भारत रत्न मिलना चाहिए। काहे को मिलना चाहिए? अच्छा, गुंडाओं को भी अगर भारत रत्न मिलेगा तो फिर है ना, पुरस्कार किसको मिलेगा? महाराष्ट्र में पोस्टर लगा दिया गया है कि अतीक अहमद शहीद। ये राजनीति चल रही है, कुछ नहीं है राजनीति, शहीद नहीं हुआ, इसे बदनाम करने की राजनीति, बदनामी योगी बाबा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? ये अपोजिट पार्टी वाले कर रहे हैं। कौन अपोजिट पार्टी, खुलकर बोलिए। सपा वाले कर रहे हैं। और क्या, सपा वाले तो कह रहे हैं कि योगी बाबा कानून पर भरोसा नहीं करते हैं, अपना मर्जी कर रहे हैं। योगी बाबा थोड़ी गोली चला रहे हैं कहीं, तो जब पुलिस के जय श्री राम कहा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जय श्री राम बोला है वो तो बात अलग है, मगर जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाएगी तो क्या पुलिस देखती रहेगी, ये खड़ी खड़ी जवाब नहीं देगी? एक माफिया का अंत हुआ, अपराधियों ने ही अंत किया, हालांकि सब लोग, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी विपक्ष कांग्रेस, उसका एक नेता बयान दे रहा है कि उसको भारत रत्न, ये सारे नेता अपने अपने नंबर बनाने के चक्कर में बयान दे रहे हैं कि ये गलत हुआ है, जिसने जैसा करा है उसको वैसा ही फल मिलेगा। वैसा ही फल मिलेगा और मिल गया, मिल गया। योगी बाबा की जय हो। जो बोएगा वो पाएगा, टेढ़ा किया मिल जाएगा, जैसी करनी वैसी। बंद कर दीजिए कोर्ट फिर। हाँ, कोर्ट का बंद करो आप, जब अतीक अहमद जब लोग आपको गोली मार रहा था तब कोर्ट बंद नहीं हुआ? नहीं बोला क्या? जब अतीक अहमद दुनिया पे अपराध कर रहा था, राजू हत्यापाल हत्या हुई थी, तब कहाँ था कोर्ट? हाँ, जब राजू पाल जीते तब कोर्ट कहाँ था? तब कांग्रेस कह रही है भारत रत्न दिया जाए। अरे उनके कहने से हो जाएगा, दे दे वोट बैंक खत्म हो गया, बना है क्या
का इसमें जीरो जीरो। जो अपने भारत के लिए जो योगदान करे ऐसा ऐसा योगदान, इतनी बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस इस तरह के बयान रह गई, अब कहाँ बड़ी रह गई, अब कहाँ बड़ी पंचायत गई, हर जगह से साफ रहने वाले हैं भाई साहब। यूपी के रहने वाले, यूपी का रहने वाले, हाँ बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा की जय। के बाद अब इनकाउंटर बाबा कहा जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है। अशरफ को नोबेल प्राइज दे दो, अशरफ को अफजल गुरु को भी दिला दो। एक नेता का उसका मैं आपको बोलिएगा तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, राजकुमार रज्जू नाम है, जो नगर निकाय का चुनाव लड़ रहा है। आज उसका बड़े बड़े मीडिया में चल रहा है कि वह भारत रत्न का मांग कर रहा है। आज उनके पास कोई धंधा नहीं अपना, आज 11,000-10,000 प्रॉपर्टी है, तो उसको फोन करो। चुनाव लड़ रहा है, मिलिएगा, नाम बता दे रहे, राजकुमार रज्जू नाम है, नगर निकाय। पहले सोनिया गांधी को भारत रत्न दिलाए, देशद्रोही होगा उस साला, होगा कांग्रेस देशद्रोही होगा जो ऐसे बात कर रहा हो, कर रहा है। न्यूज में देखो उसका मैं नाम बता दे रहा हूँ, राजकुमार रज्जू नाम है, वो बोला साला देशद्रोही होगा, वो भी हो गया। उधर महाराष्ट्र में पोस्टर लगा दिया गया है शहीद के, देशद्रोही होगा साला, महाराष्ट्र में पोस्टर लगा दिया गया है। आप तो पहली बार तो जनता जागे है, कांग्रेस है कहाँ, पोस्टर लगा दिया, शिवसेना भी ले ली बीजेपी ने, शिवसेना भी तो बीजेपी की हो गई, क्या हो गई, बिना पैंगी का लोटा किधर, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा है आपका, हाँ कांग्रेस तोड़ो, ऐसे कौन का नाम है, देखो कहीं नहीं कांग्रेस, कहीं भी आप नाम बताओ जहाँ एक सीट निकाल का डाटा, जियो का डाटा, सोनिया का बेटा मनोरंजन में ही काम आता है, जियो का डाटा और सोनिया का बेटा मनोरंजन में ही काम आता है। जय जय श्री राम। आपको भी लगता है कि राहुल गांधी मनोरंजन के लिए सिर्फ है ही है, उसका नाम ही पप्पू है, क्या कर पप्पू नाम है, हाँ आप भी मानते हैं, हाँ यार कितना पढ़ा लिखा है आप, ऐसे उसको बोल रहे हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा जब तो ऐसा हो, हाँ कम होता, ज्यादा पढ़ा लिखा, कहाँ के हो, यूपी के, सब यूपी के, आप भी यूपी, आप भी यूपी, आपको भी लग रहा है ये हो रहा है, सही हो रहा है, बहुत अच्छे हो रहे हैं, एकदम बढ़िया हो रहा है, गुंडागिर्दी हिंदुस्तान से साफ करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं, और एक नेता का बयान आ जाता है कि भारत रत्न दिया जाए, तो वो हो सकता है राहुल की तरह ज्यादा ही पढ़ा लिखा हो, कहते पाने के लिए कितने मन्नतें मनाते हैं, तो उसने क्या किसी का कोई वैसी चीज बना दी, कहते हैं जो उसको ऐसा मनना चाहिए, ऐसी भारत में उसने ऐसी चीज बना दी, उसको ऐसा रत्न मिलना चाहिए क्या, वो गुंडा था, अभी मैं कल परसों किसी उसमें देख रहा था, करोड़ों की जमीन वो कोड़ियों के भाव उसने जबरदस्ती उससे खरीद ली, तो फिर वो ऐसे जमीन खरीदता था, करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव खरीदता था, वो धमका धमका के मार मार के ऐसे उसका बेटा कौन मारता था, वो अंकित जो है जो अभी हाथ थी, उसने कितने 14 करोड़ का कितने अवरब की तो उसे संपत्ति बताई थी। क्या नाम हो भी आपका, दीपक। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आप, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, सरगर्मी तेज है, क्या लग रहा है ये सब जो हुआ है यूपी में उसका असर पड़ेगा कुछ, क्या पड़ेगा तो सही कुछ ना कुछ पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं, दिन भर मोबाइल में और टीवी में देख रहे होंगे, अतीक अहमद चल रहा है, अरे टाइम नहीं मिलता मोबाइल टीवी का, खबर तो देखा होगा सुना होगा, अतीक अहमद कौन है, देखते ही नहीं है ना, जानते हैं आप, बताइए भाई आप लोग जानते हैं, बस इतना जानते आते कि मैं दोनों भाई है और वो मतलब गैंगस्टर था, खत्म हो गया, खत्म हो गया, अच्छा और ये तो अच्छी बात नहीं है, बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, कैसे कैसे हो गए, क्या आवाज़ आ रहा है बताइए, आवाज़ क्या जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, इधर आइए भैया, क्या नाम हुआ, अरे काहे भाग रहे हैं, क्या नाम हुआ, अवनीश, कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के, यूपी के रहने वाले हैं, कैसे देखते हैं आपके मुख्यमंत्री, कभी बुलडोजर चलवा रहे हैं, कभी इनकाउंटर करवा दे रहे हैं, अब अपराधियों ने पुलिस कस्टडी में फायरिंग कर दी, मार दिया अतीक को, किसने मार दिया, अपराधियों ने मारा, हाँ तो उसमें बाबा जी क्या करेंगे, अरे उसकी प्रशासन क्या कर रही थी, अब कोई आके हमें मार दे तो आप क्या कर लेंगे, प्रशासन के सामने मार दिया गया, सेकंड में अगर मेरा काम हो जाए तो आप क्या कर लेंगे, आप खुश हैं ये घटना, हाँ खुश हैं, क्या है खुश हैं बताइए, अब गलत करेगा वो तो स्वाभाविक बात है, मरेगा उसमें क्या है, मैं गलत करेगा तो जो गलत काम करेगा वो मरेगा ही, उसमें तो कोई बुराई, कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस का एक नेता कह रहा है कि उसको भारत रत्न दे दिया जाए अतीक को, उनको बोलने से क्या होता है, भारत रत्न के लायक थे वो, ये आतंकवादी अतीक अहमद गुंडा माफिया को अगर भारत रत्न देगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे सब, जो अच्छा काम करे उनको क्या दोगे फिर, लगातार हमने जनता जनार्दन से बात करी है, आप तक उनके राय पहुंचाने का प्रयास किया कि आखिरकार अतीक अहमद के हत्या के बाद जनता जनार्दन क्या कहती है, और जो कांग्रेस नेता का जो बयान आया था कि आखिरकार भारत रत्न दिया जाए, तो क्या यह बयान को लेकर के जनता क्या सोचती है, ये आप तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी था, तब तक के लिए शुक्रिया।